एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलाना सामान्य था। लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे, वो एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसे किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और संपन्न से अपनी कमाई बचाने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामर्थ्यता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वो जहाँ काम करता था उसने अपने बचत के पैसों से वहीं व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्योंकि कठिनाई और संघर्षों भरी यात्रा उसे ये सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए।